Hi guys, welcome to Super Quick Revision. We all are now starting with product life cycle. Chota sa lecture hoga, wo topic bhi bahut chota tha. Is chapter ke na, what we basically studied was that har ek product ka jo fate hai, wo same nahi rehta. Product introduced hota hai, famous hota hai, bahut famous hota hai. Ultimately, ek din, one day company will stop the production. So the time that a product is launched in the market and till the time company gives the order to the factory, stop the production. This duration is called as product life cycle. That is divided into four stages: introductory stage, growth stage, maturity stage, and lastly declining stage. Okay. Har ek stage ka characteristics alag hoga. I cannot try to generalize the things, but few things I can try to help you taki aapke jo questions hain revise ho sakein. So in this case, we are just starting with the revision of product life cycle. So four stages: introduction, growth, maturity, decline. Abhi har stage ke andar selling price kaise change hota hai? Honestly, ye wali jo cheez hai, main generalize nahi kar sakta. Aapko ek do example de sakta hun, that are completely contrasting. Kyunki aap logo ko bhi jo exams ke na shayad questions aayenge, wo aapse aapka opinions mangenge. Suppose koi ek techno product hai, innovative product hai, to shuru mein competitors kam hai. To in the introduction stage, usually your selling price will be very high. Kyunki competitors kam hai, I would like to grab the market. Okay. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद कॉम्पिटिटर्स विल ज्वाइन इन ऑल्सो, तब मेरे को थोड़ा सा प्राइस कम करना पड़ेगा. धीरे धीरे कॉम्पिटिशन और आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तब तक मेरा अपना मार्केट बन जाएगा. सो आई विल डील इन वॉल्यूम्स. ओके, शायद मैं प्राइस उतना ही रखूं जिधर ग्रोथ स्टेज, जितना ग्रोथ स्टेज के अंदर था, या फिर थोड़ा सा कम कर दूं शायद. ओके, दीज आर योर फर्स्ट थ्री स्टेजेस माइट बी ऑफ अ टेक्नो प्रोडक्ट. शुरू में बहुत हाई कंपटीशन आया, प्राइसेस कम कर दिया, और प्राइसेस शायद इसलिए भी कम करेंगे बिकॉज आई वांट टू बी एक्सपेंडिंग, आई वांट टू बी डिक्रीजिंग द प्राइसेस, क्योंकि जो मेरा प्रोडक्ट एक टाइम पर क्लास प्रोडक्ट था, आई वुड लाइक दैट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकम्स अ मास प्रोडक्ट, नॉर्मल पीपल ऑल्सो स्टार्ट टू बाई. डिक्लाइनिंग स्टेज, इट इज ऑलमोस्ट डेथ ऑफ अ प्रोडक्ट. ओके, तो डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर आई यूजली डोंट पे अटेंशन टू सच प्रोडक्ट्स, क्योंकि न्यूअर प्रोडक्ट्स हैव स्टार्टेड टू फेच मोर इनकम फॉर मी. तो यहाँ पे यू माइट जस्ट ट्राई टू डिक्रीज द सेलिंग प्राइस द मैक्सिमम, ताकि थोड़ा बहुत अपना सेल्स हो सके. दिस इज माइट बी अ स्टोरी ऑफ अ प्रोडक्ट जो टेक्नो प्रोडक्ट है. उल्टा करते हैं, कोई एक प्रोडक्ट है जो रोजमर्रे का प्रोडक्ट है, रोज यूज होता है, ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ. एग्जाम्पल जो मैंने क्लास के ने दिया, से अमूल का बटर मिल्क जब इंट्रोड्यूस हुआ था, लोएस्ट प्राइस के ऊपर हुआ था, तभी प्राइस बहुत कम था. ओके, तो जब भी प्राइस कम था, वी वर ट्राइंग टू फॉलो पेनिट्रेशन पॉलिसीज. इफ यू ऑल रिमेंबर, आई वॉन्ट टू कैप्चर द मार्केट. ओके, दैट इज माई एम. तो प्राइसेस कम रखो, तो ही तो पेनिट्रेट होएगा. उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे मार्केट कैप्चर होती रहती है, आई स्टार्ट टू इंक्रीज माई प्राइसेस टू सम एक्सटेंट, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे. ओके, एक रुपया प्राइस बढ़ाओगे, शायद कोई सोचेगा भी ना. दस रुपये वो बढ़ा दोगे, इमीजिएटली इट विल कम टू नोटिस. मच्योरिटी स्टेज के अंदर यू माइट चार्ज द हाइएस्ट, क्योंकि पीपल वॉन्ट टू बाई योर प्रोडक्ट. स्पेशली ये वाला चीज़ तब और पॉसिबल हो सकता है जब आपको मोनोपोली हो जाएगा. एंड लास्टली डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर अगेन वन थिंग, यूजली प्राइसेस विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट इज सीइंग द एंड नाउ. ओके, तो कॉम्पिटिशन हैज कम फार न्यूअर प्रोडक्ट्स, ईदर फ्रॉम माई ओन कंपनी और फ्रॉम माई कॉम्पिटिटर्स. इन दैट पर्टिकुलर केस, ट्राई टू कट डाउन योर प्राइस, ताकि प्रोडक्ट थोड़ा बहुत तो बिके. ओके, दिस इज हाउ डज सेलिंग प्राइस चेंज ओवर लाइफ साइकिल. आपको एग्जाम्स के अंदर स्ट्रैटेजीज पूछ सकते हैं, दैट वॉट डू यू थिंक कि कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी प्राइसेस क्यों कम कर रहा है, दे वॉन्ट टू रीच टू मोर पीपल, समथिंग और दी अदर. ओके, उसके बाद मटीरियल कॉस्ट ओवर लाइफ साइकिल. नाउ यूजली क्या होगा, मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और शायद फिक्स्ड कॉस्ट. एक चीज हमेशा याद रखना, इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर नंबर ऑफ कस्टमर्स आर लेस, लेबर सॉरी फिर उसके बाद ग्रोथ स्टेज के अंदर थोड़े ज़्यादा होंगे, मच्योरिटी के अंदर सबसे ज़्यादा होंगे.
डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर फिर से कम होने स्टार्ट हो जाएंगे. तो ज़रा सोचो, तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट, आई विल बी स्पेसिफिक, पर यूनिट ओवर द लाइफ साइकिल, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ओवर द लाइफ साइकिल. ओके, तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जो तुम्हारा है इंट्रोडक्टरी स्टेज के ना, तुम लोग गुड्स कम वॉल्यूम पे बनाओगे, सप्लायर लोग तुमको डिस्काउंट नहीं देंगे, तो तेरा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हाई होगा, तुमको डिस्काउंट्स नहीं मिलेगा. लेकिन ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मच्योरिटी स्टेज तुम्हारा बार्गेनिंग पावर अच्छा होगा, बिकॉज यू विल बी प्रोड्यूसिंग इन बल्क, therefore you will be buying raw material in bulk, so your bargaining power will be very high. At that particular time kya hona start ho jayega is that your material cost per unit will start to fall, and towards the declining stage again volumes girega to shayad discounts will also be lost here. Okay, so at that time material cost per unit will start to rise. Chalo, ye wala kaam tumhara ho gaya. Uske baad labor cost. लेबर कॉस्ट को याद रखना, मेरा पिछला लेक्चर लर्निंग कर्व ऑल्सो अप्लाइज. शुरू में प्रोडक्ट न्यू होगा, कस्टमर्स विल नॉट बी ट्रेन्ड अबाउट इट. ओके, इफ दे विल नॉट बी ट्रेन्ड अबाउट इट, नो, दे विल बी टेकिंग मोर आवर्स पर यूनिट, तो योर लेबर कॉस्ट विल बी हाई. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, दे विल स्टार्ट टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, दे विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट फास्टर. ऑटोमेटिकली एट दैट पर्टिकुलर टाइम वन थिंग दैट विल स्टार्ट टू हैपन इज दैट दे विल स्टार्ट टू टेक लेसर टाइम, तो ऑटोमेटिकली लेबर कॉस्ट पर यूनिट तुम्हारा कम हो जाएगा. शायद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मच्योरिटी स्टेज या फिर टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइनिंग स्टेज, मोस्ट ऑफ योर स्किल्ड वर्कर्स वी विल शिफ्ट टू आर न्यू प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे मेरे अनस्किल्ड वर्कर्स होंगे, अगेन आर्स पर यूनिट माइट राइज, तो योर लेबर कॉस्ट पर यूनिट माइट राइज. ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट ओवर द लाइफ साइकिल. नाउ फिक्स्ड कॉस्ट, ऑनेस्टली शायद फिक्स्ड कॉस्ट तुम्हारा ओवरऑल थोड़ा कॉन्स्टेंट ही रहे, लेकिन पर यूनिट ऊपर नीचे होता रहेगा बिकॉज ऑफ वॉल्यूम्स. अगर कम यूनिट्स बनाओगे इन इंट्रोडक्टरी स्टेज, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विल बी हाई. ग्रोथ और मच्योरिटी स्टेज के ना इल फॉल बिकॉज वॉल्यूम्स विल बी हायर. डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर अगेन इन दैट केस फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट माइट स्टार्ट टू बिकम हाई, क्योंकि वॉल्यूम्स विल स्टार्ट टू बिकम लो. ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम अगर कुछ और करने का है, तो यहाँ पे वी ऑल कैन ट्राई टू डिस्कस अबाउट मार्केटिंग कॉस्ट. यूजुअली याद रखना, इंट्रोडक्टरी स्टेज के अंदर योर मार्केटिंग कॉस्ट इज यूजुअली क्वाइट हाई. तुम्हारा प्रोडक्ट न्यू है, यू वुड लाइक टू मेक इट फेमस. ओके, तो योर मार्केटिंग कॉस्ट विल बी हायर. ग्रोथ स्टेज के अंदर आई थिंक इट विल बी स्टिल हायर. कोई चीज़ चलना स्टार्ट हो जाता है ना, हम लोग सोचता है और पैसा खर्चा करके उसको और चलाएंगे यार. ओके, उसके बाद कम्स मच्योरिटी स्टेज. यूजुअली मच्योरिटी स्टेज पे तुम्हारा मार्केटिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट इज सेल्फ सस्टेनिंग नाउ. ओके, बिगेस्ट थिंग अबाउट माय प्रोडक्ट इज दैट पीपल नो अबाउट माय प्रोडक्ट, दे वांट टू बाय, सो इवन इफ आई विल नॉट टेल देम, दे विल स्टिल बाय आर प्रोडक्ट. यार एग्जाम्पल, आज अगर नाइकी कंपनी इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं भी करता, उनकी सेल्स को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इट्स एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट. लेकिन ऑब्वियसली टुवर्ड्स द डिक्लाइनिंग स्टेज, इन दैट केस ये तुम्हारे जिगर वाली बात है. अभी सम पीपल क्या हो जाता है, इन रियलिटी नो, आपको पता नहीं चलता कि आपका डिक्लाइनिंग स्टेज है. कई लोगों को लगता है डिक्लाइनिंग स्टेज आ रहा है, लेकिन फिर से रिवाइवल करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे, सो यू माइट टेंड टू स्पेंड मोर. सम पीपल माइट ट्राई टू थिंक, नहीं यार अभी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट निकलने वाला है, उसके ऊपर मार्केटिंग कॉस्ट का खर्चा करके और क्यों पैसे बर्बाद करें. सो डिक्लाइनिंग स्टेज के ना मार्केटिंग इज डिपेंडेंट अपॉन यू, तुम लोग करोगे कि नहीं करोगे. ओके, बट ओवरऑल दीज आर 5 to 6 एस्पेक्ट्स दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट एवरी स्टेज एज सच. ओके, दिस इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सम गुड क्वेश्चंस आर देयर इन योर बुक. ओके, सो ट्राई टू बी डूइंग दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस बिफोर यू गो फॉर एग्जाम्स. ओके, आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.